ज्ञानवापी प्रकरण मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद लगातार सर्वे का काम सुबह से चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसे रोक दिया गया। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि अंदर क्या कुछ हुआ। अनुपम जी, क्या रहा अंदर? देखिए, ऐसा है कि आज जांच एकदम इनिशियल फेज में थी, सिर्फ मेजरमेंट हो रहा था, ठीक है। किसी प्रकार से कोई जो है, आज ये नहीं हुआ कि नहीं कुछ खुदाई हुई हो या कुछ तोड़ा, कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ मेजरमेंट हो रहा था। DGPS के माध्यम से मेजरमेंट हो रहा था, और मेजरमेंट हो रहा था आपका जो तमाम और सब जो उनके पास मशीनरीज थी, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसके माध्यम से जो सारा कुछ मेजरमेंट हो रहा था और मेजरमेंट का ही काम चल रहा था। लेकिन तब तक 12:30 बजे माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया और स्टे हो गया। अच्छा, मुस्लिम पक्ष का क्या कोई वहाँ मौजूद था? नहीं, यही तो बात है, यही तो बहुत मायूसी भरा एक्ट है। उनके द्वारा बिल्कुल जो है कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, माननीय न्यायालय के आदेश का वो एकदम अवमानना कर रहे थे। लेकिन अब तो चूंकि फैसला आ गया, स्टे हो गया, तो अब आगे हमारे बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। आगे अब क्या आप लोगों की रणनीति रहे? देखिए, अब 26/7 का इंतजार है, 26/7 तक अगर प्रभावी होता है आदेश, तब आगे होता है, तब तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर ASI का सर्वे होगा, ठीक है। तो हमारे साथ अनुपम द्विवेदी जी थे, जिनका कहना है कि 26/7 तक हमारा इंतजार है और उस इंतजार के बाद अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इनका स्पष्ट तौर पर यह आरोप था मुस्लिम पक्ष पर कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता और वादियों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं की गई। वाराणसी से राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस के लिए।